हम लोग अभी आए हैं जयगढ़। नाहरगढ़ फोर्ट तक की वीडियो आप देख चुके हो और नाहरगढ़ के बाद हम जयगढ़ फोर्ट में एंट्री कर गए। मेन गेट पे टिकट ले लीजिएगा और पार्किंग अंदर ही कीजिएगा, क्योंकि अगर बाहर पार्किंग कर दी यार तो भाई साहब कितना चलना पड़ेगा ना, सोच नहीं सकते। तो पार्किंग टिकट लेके एंट्री कीजिएगा और मस्त व्यू दिखाऊंगा, एक नंबर का भी वो देखना, मस्त टॉप व्यू है। तो ये रहा मेरे भाइयों और बहनों दोस्तों, व्यू देखो यार आप, एनाल्टी व्यू, मौसम मतलब मौसम पे जाओ यार, इधर से देखो, इधर से ऐसे मौसम में जयपुर घूमने का मजा ही अलग है यार। ग्रीनरी ग्रीनरी लगेगा ही नहीं भाई, ये राजस्थान है, है ना अल्टीमेट। तो भाई ये था अल्टीमेट व्यू और अभी मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड की बिगेस्ट कैनन। तो ये है जवान तोप, आप इसको देखो, और वर्ल्ड की बिगेस्ट कैनन है जैसा कि मैंने बताया, 31 फीट समथिंग कुछ इसकी लंबाई है और इसको एक बार चलाने के लिए लगभग 100 किलो पाउडर इसमें लग जाता है। इसको एक ही बार टेस्ट किया गया था और जब इसको टेस्ट किया गया था तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर इसकी मार गई थी, और अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि जहाँ इसका गोला पड़ा ना वहाँ पे तालाब बन गया था, और वो आज भी मतलब मौजूद है। तो बाकी युद्ध में इसको कभी आज तक यूज़ किया नहीं गया क्योंकि बहुत हैवी वेट होने के कारण इसको कभी यूज़ ही नहीं किया गया है। एक बार इसमें चलाने के लिए लगभग 100 किलो पाउडर लग जाता है। तो ये इसके बारे में था, बाकी आप जाके पढ़ोगे गूगल पे भी तो आपको पता लग जाएगा। ट्रैकिंग का भी अगर आप लोग शौक रखते हो भाइयों, तो आप ट्रैकिंग के लिए भी ये देख रहे हो यार, मतलब अगर इस समय पे परमिशन होना तो इस पे ट्रैक भी कर लेते यार हम तो, बट परमिशन भी नहीं है और जा भी नहीं सकते, तो ट्रैकिंग के लिए आपको कहीं और देखना पड़ेगा। हम देखते हैं कहीं और कर मिलता है तो वहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे। बट द ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ जैसे चाइना है ना, तो ये द ग्रेट वॉल ऑफ नाहरगढ़ जयगढ़ फोर्ट है भाई। नाहरगढ़ फोर्ट में भी ऐसी द ग्रेट ऑफ वॉल एक बनी हुई है बहुत लंबी, आप उसके ऊपर लोग जाते भी हैं कुछ लोग। और अभी ड्राइव देखना यार, मतलब भयंकर ड्राइव है भाई, ध्यान से चलाना। इसलिए बस मैंने आपको बोला था कि भैया आप अंदर आओगे तो पार्किंग अंदर ही करना, क्योंकि तो तब चढ़ने में उतरने में चलने में ही आप थक जाओगे यार, घूम तो पाओगे ही नहीं, देख रहे हो यार। स्लोली स्लोली सामने वाली वॉल जो अब बड़ी होती जा रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चल के मिलते हैं, तब तक म्यूजिक का मजा। आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, एक्चुअली हुआ क्या है कि इस वीडियो के स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में ना ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मुझे बाद में ऑडियो इसमें डालना पड़ रहा है। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स जो है ये नॉर्मल हो जाएगा वीडियो, तो आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी इन अंकल जी को देखना, ये इनसे ज़बरदस्त सेल्समैन नहीं देखा भाई मैंने आज तक पहले। अभी हम ये इसके बारे में बताएंगे, इन्होंने जो बताया मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि इन्होंने हमको क्या बताया, और उसके बाद भाई साहब ना हमको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लेके जाएंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। तो इन्होंने हमको बताया कि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे नीचे अपना सोना जो मतलब था वो इन्होंने दबा के यहाँ रखा हुआ था। एग्जैक्टली हमको पता नहीं इसके बारे में। देखो ये जो हमको बताया, इनका कहना था कि ये जो आपके सामने दिख रहे हैं इन सबको जो है पैसे से ये पूरा भरा हुआ था, और इसी से जो है सवाई जय सिंह जी जो महाराज थे यहाँ के, उन्होंने इस जयपुर नगरी को बसाया था। तो ऐसा इन्होंने हमको बताया था, बाकी मैंने एक दो ब्लॉग्स और देखे उनमें भी यही चीज़ें बताई गई थी। तो इन्होंने ये हमको आसपास के बारे में बताया कि यहाँ से कोई टनल निकलती है वो कहीं बाहर अदर फोर्ट नाहरगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करती है, पैसे से ये भरा हुआ था, यही मतलब कुछ था। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा लगा भी कि यार अंकल जी जो फ्री में इतना कैसे गाइड कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद हुआ क्या कि ये हमको लेके जाते हैं, बच्चे आपने पूरा देख लिया ना, तो अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। और ये करके यहाँ बगल में ही जस्ट एक शॉप है,
और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप खरीदना चाहो खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि अंकल जी देखो हर कोई बंदा अपने लिए कुछ ना कुछ करता है। तो अंकल जी ने पहले हमको जानकारी दी, इसके बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू है इनका। उसके बाद ये अपने प्रोडक्ट पे ले गए और इन्होंने हमें एक शॉप के अंदर छोड़ दिया, और वहाँ पे अगर आपको कुछ खरीदना चाहो तो खरीद लो, बट कॉस्टली बहुत है भाई साहब। मतलब अगर आप यूँ सोच के चलो कि 100 रुपये की चीज़ जो है वो अंदर आपको 1000 रुपये में मिलेगी, तो छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत महंगी है। अगर आप पैसे वाले हो तो भैया खरीद सकते हो। भाई हमने तो कुछ खरीदा नहीं था, हमने जो देखा और ख़रीदने के लिए मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो मुझे लगा जयपुर में पिंक मार्केट। अगर कुछ ख़रीदना है तो आप वहाँ से खरीदो तो आपको चीपेस्ट रेट पे और अच्छा आइटम मिलेगा। मतलब अभी आप देखो, अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं यहाँ पर इनका आर्मर हाउस है, यानी कि अगर हिंदी में उसको बोलते हैं तो शस्त्र समथिंग कुछ है बोलते हैं, शस्त्र ग्रह ये है। तो इसके अंदर बहुत तरह के लगे हुए हैं, अभी आपको सारी तरह का देखने को मिलेगा। तो आप देखो कैनन ये है 1656 जयगढ़ में महाराजा मानसिंह जी के शासनकाल में निर्मित इसको किया गया है। और हेलमेट शेल्ड कैप्टन अमेरिका याद आ गया इसको देख के। और ये भैया राइडिंग के लिए जूते प्रोटेक्टर, मजा कर रहा हूँ बाजू में ताकि युद्ध में ये चीज़ें काम आने वाली होती थी। अमेजिंग गाइस, एकदम अमेजिंग। मतलब 1781 में इसको बनाया गया था और इसका वेट पता नहीं कितना होगा यार, अपना वेट कैरी करके लड़ना लहर की चीज़ें। हेलो, 8th बोर 18th सेंचुरी। ओके, 1000 साल पुराना किले से पहले स्थापना हुई थी और किले के रक्षक देवता माने जाते हैं। ओके, सबसे पहले इन्हें की स्थापना हुई थी, फिर बाद में यहाँ से किले की नई ऊंचाई की 27 राजाओं ने इसको बनाया। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम में अलग अलग पार्ट्स बनाए। ओके, तो गाइस जैसे पंडित जी ने मुझे बताया है कि काल भैरव जी का ये मंदिर है और सबसे पहले इस मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई थी, उसी के बाद इसकी नींव स्टार्ट करके इसको बनाने का काम शुरू किया गया था। टोटल 27 राजाओं ने मिलके जो है इसका काम किया है, तब जाके इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। और बताइए पंडित जी थोड़ा सा इसके बारे में, और ये सब तभी कंप्लीट हुआ सारा? सब उसी टाइम कंप्लीट हुआ, उसी दौरान कंप्लीट किए गए। ओके ओके, पैलेस कॉम्प्लेक्स मेरा बनवा लेते महल शिद्दर यो की सोच दो आ रहा है सर। कुछ दिखाते हैं आपको यहाँ पे, बहुत तरह की पुराने टाइम की चीज़ें हैं। अब एग्जैक्टली तो मुझे नाम भी नहीं पता इनका कि ये क्या क्या है, बट देखने में ये तो कूलर लग रहा है, एक तो एक मशीन टाइप में कुछ है, और ये तो बड़े बड़े ढोल हैं, पालकी है। जो पता है मैं आपको बता रहा हूँ, जो
नहीं पता, अगर आपको कुछ है इसमें से, अगर आप किसी चीज को जानते हो तो प्लीज कमेंट में डाल के मुझे बताइएगा कि ये क्या आइटम है। महाराजा मान सिंह और महाराजा भवानी सिंह के, इसके अंदर चित्रा और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखो पेंटिंग्स वगैरह हैं, काफ़ी दिखाया गया है कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया था, कब कौन सी एज में क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स अपनी किए हैं, कितने मेडल्स जीते थे, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत यूनिक चीज़ है, ये जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं प्रथम श्रेणी पदक है और उसका लघु आकार है, वो छोटे आकार में दिखा रखा है साथ में एक। ये सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, ये राजतिलक, रजत जयंती पदक, खेल पदक मुक्केबाजी के लिए, विश गले का बिल्ला और विद्यासागर। कॉस्ट्यूम्स बहुत प्यारे लग रही हैं। भाई साहब कॉस्ट्यूम बड़ी पेंटिंग यार, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए पैरा पैरा सिक्स वन सी ए बी जी सी, फिर से बारिश स्टार्ट और बारिश दोबारा स्टार्ट हुआ भैया। तो का अच्छा था फोर्ट, बट मुझे नाहरगढ़ फोर्ट ज़्यादा अच्छा लगा। अभी हम लोग यहाँ से निकल दिए हैं और जितना मौसम ने मुझे इस ट्रिप पे साथ दिया ना भाई साहब, मतलब ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा रहा मेरा ये ट्रिप जस्ट बिकॉज ऑफ मौसम बहुत अच्छा था। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से जल महल, जो रास्ते में पड़ेगा मैं आपको एक व्यू दिखा दूंगा जल महल का कि जल महल कैसा है, और उसके बाद एक व्यू आपको हवा महल का दिखाऊंगा कि हवा महल कैसा है। तो दोनों रास्ते में पड़ते हैं एक्चुअली, ये चारों चीज़ एक रास्ते में पड़ती हैं, हवा महल, जल महल, जयगढ़ और नाहरगढ़ एक ही रूट में पड़ते हैं। अगर आप इस तरफ आओगे तो एक ही रूट में ये चारों चीज़ें घूम सकते हो, बट नाहरगढ़ बहुत अच्छा है। तो अभी जल महल पर चलते हैं, जल महल देखते हैं। ये था जल महल आपका, अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से रूम के लिए। आज तो हम लोगों को लंच भी नहीं कर पाए हम लोग, अभी लोग जा रहे हैं रूम पे, पहले कुछ खाएंगे फिर उसके बाद रूम। तो ये था आपका हवा महल जो आपने देखा, अभी यहाँ से निकलते हैं। अपने को इधर राइट मुड़ना पाजी? नहीं नहीं सीधा 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 शो कर रहा है, वाहन धीमे चलाएं। तो भाई आज का ट्रिप जो है यहाँ ख़त्म होता है, अब कल यहाँ से जाएंगे भानगढ़, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो अगर यार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू।